हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे एक नया बायबैक आ चुका है। किसका? बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड का बायबैक का इसका अपडेट भी आ चुका है एंड इसके अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। यहां पे कंपनी का बायबैक ला रही है एंड जो लोगों को बायबैक का मतलब नहीं मालूम है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बायबैक का मतलब क्लियर कर दे रही हूँ कि नथिंग बट लाइक बायबैक इस क्या होता है कि जहाँ पे खुद की जो कंपनीज होती खुद के शेयर्स क्या रिपर्चेस कर दी फ्रॉम द रिटेलर्स। लाइक हमने अगर उसको 210 में खरीदा तो कंपनी हमको क्या 250 में से क्या है बेच के लेती है हमसे शेयर एंड सेम एज इट लाइक IPO कैसे एक्सेप्ट होता है वैसे बायबैक एक्सेप्ट होता है। अगर आप 10 शेयर इसमें लगा रहे तो कंपनी हमें क्या 2 या 3 ही एक्सेप्ट करेगी और डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर। अब हमें बजाज कंज्यूमर का यहाँ पे क्या अपडेट क्या आया हुआ है आया है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी नेम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अगर आप सर्च करेंगे NSE या फिर BSE से कहीं से भी अप्लाइंग खरीदते हो शेयर इसका वहाँ से अप्लाइंग आप कर सकते हो उसका। ओके, इशू टाइप टेंडर ऑफर है एंड इशू साइज शेयर मीन्स यहाँ पे कंपनी का है कितना बायबैक के लिए एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे क्या है नंबर्स ऑफ शेयर कितने का 5,74,01,000 तक कंपनी का शेयर यहाँ पे क्या है बायबैक के लिए एक्सेप्ट करेगी। अमाउंट कितना 166.49 करोड़ का। बायबैक प्राइस कितना है 290 पर शेयर मीन्स 290 पर शेयर के पीछे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको कैसे करना है 290 मीन्स ये नहीं कि आपने 290 पे ही 290 आपको एग्जैक्टली मिलेगा। 290 मीन्स क्या है अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का करंट प्राइस कितना चला है 235.95 का। अब आप इसको फ्राइडे के दिन खरीदोगे लगभग क्या है 240 आप पकड़ ले सकते हो। ओके, बट फिर भी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें पे क्या है 235 पकड़ेंगे। सो कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम कितना पकड़ेंगे 235.95। ओके, माइनस का साइन डाल देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा कितना 290 का उसने बोला था 290 इज इक्वल पे क्लिक करोगे कंपनी यहाँ पे क्या है 54.05 का मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या रिटर्न दे रही है। सो इफ अगर आप 54 ही पकड़ लो। ओके, सो इफ अगर आप इसको 54 एंड अगर आपने चलो यहाँ पे कितना आपने चलो 20 आपने शेयर खरीदा फिर भी अगर उसमें से 5 भी एक्सेप्ट होता है प्रॉफिट कितना बुक होगा आपका 270 का। मीन्स यहाँ पे बायबैक का अगर आप देखोगे सो कंपनी बहुत ही कम मीन्स दे रही है बायबैक पे मतलब लाइक 54 रुपीज़ ही दे रही है। 300-400 जो हमको लाइक अदर शेयर्स में मिल जाते जैसे कि बायबैक अभी 300-400 आए भी हुए हैं अभी इसमें देखोगे तो बहुत ही कम दे रहा है। सो नंबर्स ऑफ क्वान्टिटी आप कितना अप्लाइंग करते हो कितना क्या एक्सेप्ट होगा अभी इस पर डिपेंड करता है। फिलहाल आपको यही बोलूँगी अगर आप हो सके तो बाकी के बजाज जैसे कि हमारा सॉरी बजाज ऑटो का आ गया बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट बायबैक मेरे लिए था वो एंड मैं आपको यही बोलूँगी जैसे कि हमारा फिलहाल में आनंद राठी का भी है श्रद्धा मोटर्स का बायबैक आया हुआ है आनंद राठी श्रद्धा मोटर्स हो गया एंड एक और था मैंने वीडियो में मैंने अपलोड भी किया हुआ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसे 2-3 आए भी हुए हैं बायबैक अच्छा खासा चल भी रहा श्रद्धा मोटर्स का तो उसका अपडेट भी एक लेटेस्ट आ भी चुका है 30 तारीख तक आप उसका शेयर खरीदोगे तभी आपका बायबैक लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। सो उसके डेट के अनाउंसमेंट भी आ चुके हैं सो उसमें आप अप्लाइंग कर सकते हो रदर देन इन बजाज कंज्यूमर केयर में बिकॉज ये शेयर अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरता है 200 या फिर 150 के आसपास अगर रहता तो खरीदते तो उसमें आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हो सकता था बट अभी जो है लगभग 50 रुपये ही दे रहा तो मतलब नहीं है इसमें अप्लाइंग करके। सो फिलहाल आपको यही बोलूँ कि हो सके थोड़ा बहुत आप इसको अवॉइड ही कर दो बट फिर भी आपको अगर अप्लाइंग करना है सो आप अप्लाइंग कर सकते हो। सो फिलहाल इसके लेटेस्ट अपडेट क्या है यही थे। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।